Thank you.
Thank you.
We can hardly understand. Someone. सब प्राणियों को मन ही मन में प्रणाम करें, क्योंकि
यदि इस जन्म में इस शरीर के अंदर में आत्मा और परमात्मा है, आत्मा हम है और कृष्ण एक होते हुए भी सबके अंदर में है, हमारे अंदर में यदि उसकी अनुभूति नहीं हुई, रियलाइजेशन उनका नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? यदि तन मन से लग जाओ, यदि भगवान का भजन हो गया और उनसे संबंध हो गया और उसकी अनुभूति यदि हुई तो जन्म सफल हो गया। तुलना यदि इतना प्रतिक्रम मरने के पहले भी इसकी अनुभूति करते रहे, जैसे पैसे के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं हम, तब पैसा आता है किंतु वो परिश्रम नहीं रहने पर भी दो, नहीं रहने पर भी दो, रहने पर भी दो, चले जाने पर भी दो, तो उसे पाए जाने वाला सब कुछ जो है अन्य जान कुछ परिवार उसे सुखी कैसे रहता है? इसलिए ये समझो कि हम कृष्ण के दास दासी हैं और इसी जन्म में ही हमको ये अनुभूति करना है, उसके जन्म की प्रतीक्षा मत करो। जैसे धन कमाने में लगे रहते हैं क्योंकि सवेरे से शाम, शाम से रात, दिन रात लगे रहते हैं, तो तरह भगवान के भजन में देखो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि गोस्वामी लोग, नारद गोस्वामी उनकी परंपरा में देखो कैसा भजन किया। बताओ ध्रुव जी ने 6 महीने कैसे कठोर तपस्या की, तो भगवान मिल जाए, सही भगवान मिल जाएंगे, सस्ते हैं तो ये हैं लेकिन दिखते नहीं है, इसलिए ऐसा परिश्रम करो, मन में ऐसा भावना रखो कब कृष्ण के दर्शन, कब हमें निष्ठा रुचि आसक्ति पैदा करो। इसके लिए हृदय से नाम करते करते नाम प्रभु बड़ी शक्तिशाली है, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, नाम के आगे हो देखो देखो उनके पास है एकदम अनुभूति हो जीवन सफल हो जाए। संक्षेप में मैंने बताया, अभी इससे समझ करके ऐसे ही नाम करो, प्रेम के साथ में नाम करो, आवश्यक के साथ में मंत्रों को पीछे रूप से करो और अनुभूति गौ प्रमाणे हरे कृष्ण। जिन लोगों ने दीक्षा लेनी है तो लोग कृपया ऊपर आ जाए, जिन लोगों को ब्राह्मण दीक्षा है उनको संग्रह करता हूँ कृपया ऊपर आ जाए। आपका नाम देख करके अंदर आएगा सब ठीक।